हेलो डियर, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका टारगेट विद्यालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर। मैं नरेंद्र सिंह तोमर, आप मुझे एनएस तोमर नाम से भी जानते हैं। आज मैं आप लोगों को थ्योरी ऑफ इक्वेशन के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जिसके क्वेश्चन 100% टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में, डीएसएसबी, एलटी ग्रेड सभी में पूछे जाते हैं। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं अब कि जिसके ज़रिए से आप इस टॉपिक को बहुत अच्छा करवाएंगे। और एक न्यू बैच जिसको हम 10 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे आपने 20 क्वेश्चन सपोज करिए कर लिया, पहले 20 क्वेश्चन आपने किया, इसमें से 20 क्वेश्चन मतलब आपको डेली 5 आवर्स आपको देना है, ठीक है ना। 5 आवर्स में जो है 1 आवर तो मेरे साथ है, ठीक है ना, बल्कि 1 घंटे क्या, मैं 1 घंटे 30 मिनट की क्लास तो करीब लेते लेता हूँ, 1.5 घंटे क्लास मोस्ट हो ही जाती है मोस्टली। तो 20 क्वेश्चन तो आप हमारे साथ पहले आपने किया, ठीक है। इसके बाद इन्हीं का आप रिवीजन करेंगे, ठीक है ना, इन्हीं का। तो मैं मान लेता हूँ कि ये 1 आवर्स ही सपोज करिए, 1 आवर्स ही काउंट कर लेते हैं इसको। ये 20 क्वेश्चन जो है आप फिर 1 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे, 20 क्वेश्चन इनको आप फिर से रिवाइज कर लेंगे मेरे साथ ही। तो 20 ये तैयार हो गए। अब इसके बाद जो है 4 घंटा आपको सेल्फ स्टडी पढ़ना है, अलग से करना है। तो उसमें से जो है अगर आप जो है 10 क्वेश्चन पर आवर अगर आप कर ले जाते हैं तो सपोज करिए 3 आवर्स हैं, तो यहाँ पर 3 आवर्स में 30 क्वेश्चंस हो गए। 30 क्वेश्चंस डेली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मेरे साथ जब आप जुड़ेंगे तो 20 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मैं पहले उस क्लास में करा ही दूंगा, फिर उनका आप तुरंत रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। सेम डे आप रिवाइज जरूर करिएगा, उनको पेंडिंग नहीं रखना है। तो 1 घंटे में सपोज करिए आपने रिवाइज भी कर लिया उनको, 20 क्वेश्चन ये तैयार हो गए। फिर इसके बाद उसी टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना, जो प्रैक्टिस सीट मिलेगी, उसके 10 क्वेश्चन 1 घंटे में, फिर जो है 10 क्वेश्चन दूसरे में, मतलब 30 क्वेश्चन आपको करना है। चाहे उसी दिन जो है आप 3 घंटे पढ़ लीजिए शाम को, ठीक है ना, इवनिंग में, रात में, या जो है दूसरे दिन कर लीजिए, दिन में कर लीजिए। कुल मिलाकर के आपको 5 आवर्स जो है मेरी क्लास के अलावा 4 आवर्स आपको पूरे करने हैं। तो 4 आवर्स में जब आप इतने कर लेंगे तो 30 और 20 कितने हो गए, 50 क्वेश्चंस हो गए। 50 क्वेश्चंस आप डेली कर रहे हैं, 50 क्वेश्चंस ये डेली हो रहे हैं डियर, ठीक है ना। अब जो है जरा सोचिए, 50 क्वेश्चन आपने किया और ये 30 डेज तक कर रहे हैं, तो 1500 क्वेश्चंस हो गए, 1 मंथ में इतने हो जाएंगे। मैं मैथ की बात कर रहा हूँ अपने, ठीक है ना। अब इसके बाद 4 मंथ में आप समझ ही रहे हैं, ठीक है ना, 4 मंथ में तो जो बहुत सारे हो जा रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए इसका। अगर आप इसको करते हैं तो 4 मंथ में जो है आप देख रहे हैं कि इतने क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हैं, अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं, 6000 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 6000 क्वेश्चन जो है आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, मतलब मैंने अपने बैच की जो है रूपरेखा आपको बताई है कि जो मेरा बैच मैथमेटिक्स का 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें आपको डेली 1.5 घंटे में जो है 20 क्वेश्चन के करीब मैं करा ही जाता हूँ। उन 20 क्वेश्चंस का आप 1 आवर में जो है पूरा रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद जो भी वहाँ पर जो है प्रैक्टिस सीट हमारे साथ मिलेगी, और उसमें से आपको जो है 3 घंटे में कम से कम 30 क्वेश्चन तो कर ही लेना है, और अगर जल्दी कर जाते हैं ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 30 क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिए उनको कॉन्सेप्ट के रिवीजन के साथ, ठीक। तो अगर ऐसा आप करते हैं 50 यानी डेली रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो 1500 क्वेश्चन आप 1 मंथ में तैयार कर लेंगे बड़े आराम से, और 4 महीने में 6000 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100% सिलेक्शन आपको दिला सकते हैं, 100%। सोच लीजिए, चाहे आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो भी, ठीक है ना, या फिर आप तैयार कर चुके हैं एक बार और हमारे साथ जुड़ते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना, चाहे आप कहीं भी पढ़े हों, ठीक है, वो बेनिफिट आपको यहाँ ज़रूर मिलेगा, ठीक। तो ये तो मैंने जो है आपको बैच के बारे में बता दिया कि क्या क्या चीज़ आपको इसमें मिल रही है, ठीक है ना, कितना जो है मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। लेकिन जो है जो संस्था की तरफ से मिल रहा है इसमें से, मेरी तरफ से, वो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड और प्लस 2500 टॉप क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज,
ठीक है ना, ये जो है क्वेश्चन इसमें होंगे, ये प्रैक्टिस सीरीज ये आपको मिलेगी, इतना जो है आपको मिल रहा है ज़बरदस्त समय से, बहुत बेहतरीन है और कम समय में, बिगनर्स हैं तो भी अच्छा तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी हमने पूरा बेस्ट प्लान आपको बताया है ये। तो 10 अप्रैल को आप बड़े आराम से हमारे साथ इसमें से जुड़ सकते हैं, अपने सभी साथियों को, सहयोगियों को बता सकते हैं, जो हमारे जो है पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी आप जो है शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक अपना दे सकते हैं हमारे बारे में, आप अपने बारे में कह सकें हम, ठीक। चलिए रेट, और अब ये बैच के जानकारी के लिए आप एक काम कर सकते हैं, ये बैच की हमारी विशेषताएं हैं, वैसे मैं तो आपको डिटेल बता ही चुका हूँ, लाइव प्लस रिकॉर्डेड कक्षाएँ तो रहेंगी रहेंगी आपको जो है इसमें से, ठीक है ना, 50+ लाइव प्रैक्टिस पेपर वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ही, ठीक है ना, संपूर्ण नोट्स जो है आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिल रही है, लाइव डाउट सेशन भी आपको मिल रहा है, ठीक है, साथ में जो क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसका PDF भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना, अगर आप उसको नोट करना चाहें तो कर भी सकते हैं, PDF से निकालना चाहें तो भी आप नोट कर सकते हैं, दोनों चीज़ें, ठीक है ना, आप चाहें तो वहाँ से वो भी मिलेगा। इसके साथ जो है आपको 15 रैंकर मॉक टेस्ट सीरीज होगी, रैंकर मॉक टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि जब जो है आप टेस्ट देंगे बाई पोल तो उसमें आपका रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना, और पूरे प्रदेश में देश में आपकी रैंक किस पोजीशन पे पहुंच रही है वो भी आपको पता लग जाएगा, किस लेवल में आप पहुंच गए हैं, ठीक है ना ये, और लास्ट में जब एग्ज़ाम का समय आ जाएगा तब तो हम लोग मैराथन रिवीजन कराएंगे, ये फिर तो लंबी लंबी क्लासेस होंगी, ठीक है ना, जिससे कि आपका एक बार पूरा पूरा रिवीजन फिर से हो, तो ये चीज़ तो हम लोग करेंगे ही करेंगे डियर, ठीक है ना। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप जो है इस नंबर पर, एंट्री नंबर है ये, एंट्री नंबर लिख करके इस पर आप सेंड कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है ना, व्हाट्सअप कर देंगे इस नंबर पर एंट्री नंबर जो है लिख करके, तो एंट्री लिख करके आपके पास कॉल आ जाएगी और जो है आपको पूरी सब जानकारी इसमें दे दी जाएगी या फिर व्हाट्सअप कर दी जाएगी। इसके साथ अगर आप खुद बात करना चाहते हैं तो इन नंबर्स में, ये हमारे काउंसलर मेंबर के नंबर्स हैं, इन पर आप किसी पर भी फ़ोन लगा करके बात कर सकते हैं, अगर आपको कोई ऐसी जानकारी चाहिए कि नहीं आपको मुझसे बात करनी है तो इन नंबर पर आप कॉल करके कह सकते हैं कि सर से बात करा दीजिए तो हमसे भी बात हो जाएगी, अगर कोई विशेष जानकारी हो तो ही आप बात करें, बाकी पूरी जानकारी आपको वहीं मिल जाएगी, ठीक है डियर। अब जरा आइए क्वेश्चन नंबर वन पर हम देखते हैं, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर वन में क्या है इसमें, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वेयर एक्स बिलोंग्स टू -2π टू 2π, क्लोज इंटरवल में -2π से लेकर 2π तक है एक्स की वैल्यू, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते ना कम ले सकते, सम ऑफ रूट्स। अब मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, बहुत बढ़िया से जानते हैं आप कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है। अगर मैं ये लिखता कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो डेफिनेटली आप ये कह देते कि सम ऑफ रूट्स यही होगा, माइनस बी अपान ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यही होगा अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, डेफिनेटली इसका यूज बहुत सारा होता रहता है हमेशा, आप एक सेकंड में यही कहेंगे और जल्दबाजी में आप ये कह भी जाएंगे कि थ्री होगा और थ्री वहाँ लिखा भी है, ये देखिए यहाँ पर आप क्या कहेंगे, माइनस बी अपान ए कहेंगे और खट से इसका आंसर लगा देंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है, ठीक है ना। हमने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं कि जो जल्दबाजी में आपसे गलत हो सकते हैं जबकि आपको आता है, ठीक है ना, और आप सीख भी जाएंगे, नहीं भी अगर उतना तैयार है तो हमारे साथ जुड़ करके वो सब चीज़ें सीख जाएंगे। तो थ्री लिखा भी है लेकिन थ्री इसका आंसर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा थ्री, तो फिर आंसर क्या होगा भाई। तो वहाँ पर आप गौर से देखिए कि वो साइन मॉड एक्स है, यहाँ पर ये है डियर, यहाँ पर ये साइन मॉड एक्स है, ठीक है ना, साइन मॉड एक्स, इधर साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं साइन मॉड एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू टी। अब ये स्क्वायर लिखा है तो जनरली ये साइन मॉड एक्स का होल स्क्वायर यानी पॉजिटिव हो गया, तो फिर अगर हमने लेट कर लिया तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू जीरो। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो टी की दो वैल्यू जा रही है, देखिए -2 -1, तो 1 भी आ जा रहा है 2 भी आ जा रहा है, लेकिन आपने तो इसको लेट किया है ना टी, तो फिर आप जानते हैं कि साइन मॉड एक्स हो या साइन एक्स हो या कुछ भी हो, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इतनी ही होगी, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है,
इसका मतलब है कि साइन मॉड एक्स नॉट इक्वल टू टू, ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब टी नॉट इक्वल टू टू ये बिल्कुल नहीं ले सकते हम, ज़्यादा हो गया। जब ये नहीं ले सकते हैं हम, तो फिर तो टी इक्वल टू वन ही बचा ना हमारे पास। तो जब टी इक्वल टू वन बचा, तो इसका मतलब है कि साइन मॉड एक्स इक्वल टू वन। अब वन तभी हो सकता है डियर जब यहाँ एक्स की जगह प्लस माइनस पाई बाई टू हो जाए, एक्स की दो वैल्यूज हो जाएँ, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू, दो रूट्स आ गए इसके, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा। तो फिर सम ऑफ रूट्स बन गया माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, और ये हो गया जीरो, दैट इज आंसर। ये हो जाएगा आंसर इसका इस तरीके से। यानी जल्दबाजी में क्वेश्चन हमारे गलत हो सकता था, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर दूसरा आ रहा है, लेकिन वो नहीं होगा। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट हमारा क्या लगा, साइन की प्रॉपर्टी भी लग गई साथ में, ठीक है ना। साइन की जो है रेंज की ज़रूरत थी हमें, वो भी यहाँ पर हमने यूज कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको आगे भी अभी मिल रहे हैं, वो भी आप देखते चलें मेरे साथ, जो है बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ज़रा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर क्या कह रहा है कि ये अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो के, गामा डेल्टा रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो के, बट अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा चारों के चारों जी पी में है। तो फिर पी और क्यू की इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल वैल्यू होगी यानी कि रेशनल, फ्रैक्शनल नहीं, ठीक है ना, इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो हम एक काम तो कर सकते हैं, हम फटाफट चाहें तो ये नंबर्स जो है पी और क्यू की जगह पर रख करके रूट्स निकाल सकते हैं बाई ऑप्शन, एक मेथड तो ये है। तो बाई ऑप्शन हम दूसरे के लिए रखते हैं, यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम जान रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा सब जी पी में है, तो अल्फ़ा इक्वल टू आप लेट कर लीजिए ए, तो फिर बीटा इक्वल टू हो जाएगा ए आर, तो फिर गामा इक्वल टू हो जाएगा ए आर स्क्वायर, तो फिर डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा ए आर क्यूब, ये हो जाएगा। ये हमारे पास चारों रूट्स जो है जी पी में है, ये मिल गए, ठीक है ना, ठीक, ये सभी के सभी जी पी में हैं। अब हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा ये दोनों के दोनों रूट्स किसके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो के। तो इससे हमें क्या मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा मिला, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही ए प्लस ए आर इक्वल टू कितना, वन हो जाएगा ये। उसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा मिला हमें, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, यही दोनों वैल्यूज ए इंटू ए आर इक्वल टू पी हो जाएगा, ये हमें मिल गया, ठीक। अब इसके बाद आ जाइए दूसरे वाले पार्ट में, तो गामा डेल्टा ये किसके रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो के। तो फिर गामा प्लस डेल्टा ये कितना हो गया डियर, ये रहा सामने ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ये हो गया, और इक्वल टू फोर, ठीक। यहाँ से आप ए आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो वन प्लस आर बचेगा, ये फोर हो गया। उसी तरीके से गामा इंटू डेल्टा अगर करेंगे आप, तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, और ये इक्वल टू कितना है, क्यू। तो हमें जो वैल्यू चाहिए थी, हमें वैल्यू चाहिए थी डियर केवल इसकी, इसकी वैल्यू चाहिए थी और इसकी चाहिए थी, यही पी क्यू है। इस तरीके से हम पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और बाई ऑप्शन तो अभी एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, उसमें भी करा देंगे बाई ऑप्शन, लेकिन इस वाले को ऐसे देख लीजिए। तो जब यहाँ पर निकाल रहे हैं तो ये देखिए, यहाँ अल्फा प्लस बीटा में जब आप ए कॉमन लेंगे तो वन प्लस आर बचेगा इक्वल टू वन, ये हो गया। अब ज़रा गौर से यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ए वन प्लस आर की जगह पर वन है, तो केवल आर स्क्वायर बचेगा। इस जगह ये वाली वैल्यू हमारे पास बाई इक्वेशन वन टू जो भी यहाँ पर आप लेट करना चाहें कर सकते हैं, फिलहाल ये वन है तो ये टू है, तो फिर ये इसको थ्री लेट कर लीजिए तो ये फिर फोर हो जाएगा। तो फिर हम इक्वेशन वन का यूज कर देते हैं यहाँ पर, ए वन प्लस आर की जगह पर वन ही रख देंगे तो आर स्क्वायर बचेगा। जैसे ही आर स्क्वायर इक्वल टू फोर हो जाएगा तो आर की दो वैल्यू आ जाएंगी, माइनस टू और टू, दो वैल्यूज आ गई डियर। अब माइनस टू और टू रखने से हमारा यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, तो ये देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर रखते हैं जो है आर की वैल्यू, यहाँ पर आर की वैल्यू हमने रखा टू, तो ए की वैल्यू वन बाई थ्री आ जाएगी। वन बाई थ्री आने का मतलब है इंटीजर नहीं होगा पी,
तो फिर -2 रखिए। तो जैसे ही आप जो है यहाँ पर आर इक्वल टू -2 रखेंगे, तो फिर यहाँ पर -2 रखेंगे तो ए इक्वल टू -1 आ जाएगा। ए इक्वल टू यहाँ -1 रखेंगे और आर इक्वल टू 2 रखेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी -2। ये वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू -2 हो गई। सेम कंडीशन यहाँ पर, ये देखिए, ए स्क्वायर जब करेंगे और आर की पावर 5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू -2 की पावर 5, मतलब -32। ये वैल्यू क्यू की आ गई। आसान तरीके से दोनों की वैल्यू आ गई, बिल्कुल सिंपल तरीके से। मतलब जो है पहले इक्वेशन का हम यूज कर दिए, जो है पहले इक्वेशन का यूज हम यहाँ पर कर दिए तो वैल्यू आर की आ गई। आर की दो वैल्यू आएंगी, लेकिन टू रखने पर ये फ्रैक्शनल में आ रहा है, टू रखने पर ये फ्रैक्शनल में आ रहा है, जबकि जो है -2 रखने पर ये इंटीजर आ रहा है, तो हम उसको ले लेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछे जाते हैं, जो खास भी हैं, ठीक है ना, एपी में भी, जीपी में भी, एचपी में भी। यहाँ पर देखिए ज़रा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये हमेशा पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव है अगर, तो क्या कंडीशन होगी, एन की वैल्यू क्या होगी। तो 5 टू पावर n तो है, 2√3 का स्क्वायर करेंगे हम 2n की वजह से, तो आ जाएगा 12। और ये यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये पॉजिटिव है, ये 13 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कह रहा है। तो 5 टू पावर n प्लस 12 टू पावर n ग्रेटर देन 13 स्क्वायर। आप जानते हैं कि अगर हम 5 टू पावर n प्लस 12 टू पावर n, ये जो है यहाँ पर 13 टू पावर n करें, तो फिर n इक्वल टू 2 होगा, तभी सेटिस्फाइड होगा n इक्वल टू 2। और अगर हम इसको बड़ा करना चाहते हैं तो श्योर है कि फिर n की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। मतलब n बिलोंग्स टू 2 से लेकर के इन्फानाइट तक आ जाएगा, क्योंकि जब ये बराबर रखेंगे हम n जो है, तो 2 2 पूरे में रखेंगे तभी बराबर होगा, अदरवाइज ये बराबर नहीं होगा। तो हम आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी, ये हो गया क्लियर, ठीक है ना डियर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और मिलेंगे, इकलौता एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अब आते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन को ज़रा देखिए। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि 2 रूट्स इस इक्वेशन के, इस फॉर्म के इंडिया ए प्लस आई बी के, तो और बाकी 2 रूट्स इस फॉर्म के हैं, ठीक है ना। तो ए और बी रियल भी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए क्यू प्लस बी क्यू की। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब मैं आपको समझाता हूँ, इसमें खास बात यह है कि अगर नंबर 1 पर देखिएगा, इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज d लेस देन 0, अगर इसका d नेगेटिव हो जाए, देन एक रूट अगर आप इसका a1 प्लस आयोटा b1 करते हैं, तो 100% दूसरा जो है इसका कंजुगेट हो जाएगा a1 माइनस आयोटा β1, ओ सॉरी b1, ठीक है ना, ये हो जाएगा ये। मतलब कुल मिला करके हमेशा इमेजिनरी रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स पेयर में ही होते हैं, जुड़वा। ये बहुत अच्छी तरीके याद रखिएगा, इसका यूज बहुत जगह होगा, कई क्वेश्चन में होगा, कि जब भी एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा पक्का होगा उसका कंजुगेट। प्लस का है तो माइनस का जरूर होगा, माइनस का है तो प्लस का, और जहां जाएंगे दोनों एक साथ जाएंगे, जुड़वा। अगर कॉमन की बात आएगी कि 2 रूट कॉमन है, 1 रूट कॉमन है, तो पक्का है कि एक रूट अगर कॉमन है और डी नेगेटिव है, तो दूसरा रूट भी कॉमन होगा, क्योंकि पहला जा रहा है तो दूसरा भी उसके साथ ही जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ ये भी है कि अगर क्वेश्चन में ये आ जाए, इफ डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो देन एक रूट अगर अल्फा इक्वल टू आपने a1 प्लस √b1 किया, तो श्योर है कि दूसरा
माइनस का ही हो जाएगा, ए वन माइनस रूट बी वन बिल्कुल होगा। ये भी आपको ध्यान रखना, ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, ठीक है ना। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा पेयर में ही रहते हैं, इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में ही रहते हैं, एक प्लस एक माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। तो 100% अगर एक रूट इसका ये है तो दूसरा माइनस का होगा, एक रूट वो है तो दूसरा माइनस का होगा, और चार रूट हैं क्योंकि 4 डिग्री का है, तो क्या है, क्वेश्चन बन गया फिर मज़ेदार। फिर अल्फा इक्वल टू आप क्या लेट करेंगे, ए प्लस आयोटा बी है तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी, गामा इक्वल टू बी प्लस आयोटा ए है तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस आयोटा ए। अब जरा इनको देखिए, अगर सभी को ऐड करें आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, सम ऑफ रूट्स जब आप निकालेंगे तो जरा गौर से देखिए, इन दोनों को ऐड किया तो बी कैंसिल हो गया तो 2a बचा, इधर 2b बचा, यानी कि ट्वाइस ए प्लस बी, और ये किसके इक्वल है, 6 के, क्योंकि माइनस होगा पहला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बी अपान ए, फार्मूला वही रहता है हमेशा डियर, फार्मूला हमेशा वही रहता है, माइनस बी अपान ए, फिर जो है सी अपान ए, फिर माइनस डी अपान ए, फिर प्लस सी अपान ए, ऐसे ही चलता रहेगा, अल्टरनेट प्लस माइनस, पहले माइनस से ही शुरू होगा, ये हमेशा जो है हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशियंट अपान में होता है, और इसके बाद जो आगे डिग्री के कॉफिशियंट हैं वो एक एक करके आते जाएंगे, माइनस से शुरू फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलते जाएंगे चाहे वो कितने का भी हो। तो ये 6 हो गया, इसका मतलब है कि ए प्लस बी इक्वल टू 3 आ गया, ये एक इक्वेशन बन गया हमारे पास, एक इक्वेशन तो मिल गया। अब इसके बाद जरा इनका प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट क्या बता रहा है, तो प्रोडक्ट में जरा देखिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जब हम इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप जानते हो डियर ये चीज़ कि जब भी एक्स माइनस आयोटा वाई और एक्स प्लस आयोटा वाई इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है हमेशा, तो फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, तो बात तो एक ही हुई ना, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये देखिए माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यानी 25 25 ये हो गया। तो फिर इससे जो हमारे पास इक्वेशन आएगा, ये इससे बन गया डियर, इससे एक इक्वेशन बन करके आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5, ये आ गया। अगर ये 5 आ गया तो पक्का है कि ये 1 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर तो 5 हो ही जाएगा। तो फिर इसका मतलब है, मतलब एक इक्वेशन ये बन चुका है इक्वेशन 2, ठीक है ना, इक्वेशन 2 ये बन चुका है। दोनों को आप सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप पता लगा सकते हैं कि एक 1 है तो दूसरा 2 होगा। तो फिर ए इक्वल टू अगर 1, बी इक्वल टू 2, ये हमने कर लिया, ठीक है ना। तो ए क्यूब यानी 1 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक। तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब जरा जैसे माइनस की हम बात करें यहाँ पर, जैसे -5 होता, ठीक है ना, तो -5 नहीं ले सकते हम क्योंकि दोनों स्क्वायर हैं, स्क्वायर करने के बाद -5 कभी आएगा नहीं, तो फिर ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जब पॉजिटिव आएगी तो 1 का क्यूब हो जाएगा और 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब हो गया, तो 8 और 1 9, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि जिसमें से हमारे ये कॉन्सेप्ट भी लग जा रहे हैं जो दोनों हमने आपको बताया। क्वेश्चन तो छोटा सा ही था, क्वेश्चन तो छोटा सा है डियर, ये तो सब चीज़ें हमने आपको कॉन्सेप्ट बताई है कि ये अभी और भी कई क्वेश्चन में लगेंगे, ठीक है ना, कॉमन रूट्स में, ठीक है, जहाँ पर ये भी कह दिया जाए कि नहीं एग्जैक्टली, सपोज करिए कोई क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन में कह दिया कि एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स हैं, तो अरे कैसे होगा यार, वो 2 रियल रूट तो एक इमेजिनरी, क्योंकि क्यूबिक में तो 3 होते हैं, इसका मतलब है कि डेफिनेटली 2 रियल रूट हो ही नहीं सकते, यानी वो इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, तो कोई भी अननोन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी बहुत केसेस में। बस याद रखना है आपको, ये चीज़ें जो हम बता दे रहे हैं वो विशेष काम की हैं, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन जो है कई क्वेश्चन पर भारी पड़ेगा, यानी लगवाने में आपको जो है हेल्प करेगा। अब ये देखिए, एक पॉलिनोमियल आ गया, ये कह रहा है कि nth टर्म तक दिया गया है और fx इक्वल टू 0 है, लेकिन उसमें रियल रूट्स कितने होंगे, इसके रियल रूट्स कितने होंगे, ये कह रहा है n इवन भी है। तो अगर n इवन भी है तो हम ऐसा करते हैं ना, फिर क्यों ना लेट कर लें। अब ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र थर्ड ईयर, ये केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नहीं, पूरे मैथ के लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है कि कहीं भी किसी जगह पर भी
अगर आपको वेरिएबल फॉर्म में कोई दिखता है ऑप्शन या फिर क्वेश्चन, तो अगर आपको लगे कि हम लेट करके भी काम चला सकते हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे अदर कोई भी टॉपिक हो मैथमेटिक्स का, तो फिर वहाँ पर आप लेट कर लीजिए, पूरा फिर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ लेट कर लेंगे, यानी इक्वल टू टू, जैसे लेट किया आपने तो ये हो जाएगा 1 + 2x + 3x². अब इसमें जरा आप खुद देख लीजिए डी इक्वल टू क्या होगा, 2² - 4ac, तो बी ये रहा, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर हो गया, -4 × 3 × 1, ये लेस देन 0 आ गया। मतलब डी लेस देन 0 का मतलब है इक्वेशन fx इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, एक भी रियल रूट्स नहीं होगा डियर, मतलब नंबर ऑफ रियल रूट्स फिर कितने होंगे, 0 ये हो जाएंगे। यानी इतना बड़ा क्वेश्चन जो दिख रहा है बड़े आसान तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेट करने वाला ब्रह्मास्त्र नाम के लिए तो है वो कि लेट कर रहे हैं हम, लेकिन बहुत ही कमाल का है, बहुत सारे क्वेश्चन में अच्छी तरीके से क्वेश्चन को एग्जैक्ट आंसर दिला देगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पढ़ाइए जरा, देखिए अब अगला ये देखिए। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाह रहा हूँ कि न्यूटन्स थ्योरम, उसको आप जरा समझ लीजिए। न्यूटन्स थ्योरम क्या है इसमें? इसमें यह है कि अगर अल्फा बीटा ये रूट्स हैं ax² bx + c = 0 के, ये अगर, तो फिर हम हमारे पास सपोज के करके ऐसा कुछ दिया हुआ है, एंड pn इक्वल टू αn + βn ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, देन यहाँ हाईएस्ट डिग्री में आप कोई भी ले लीजिए, pn ले लीजिए या फिर n-1 n+2, कुछ भी आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़रूरत के हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो जैसे मैं सपोज करिए यहाँ ले देता हूँ n+2 लेट कर लिया मैंने, फिर b कॉफिशियंट, यहाँ x लिखा है, x की जगह पर आपको रखना है, ये ध्यान रखिएगा ये जो मैं बता रहा हूँ डियर, x की जगह पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, ऐसा कुछ भी लिखा मिले आपको, तो आप लगा सकते हैं x की जगह पर और यहाँ 1 की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर b x की जगह पर एक और कम कर देंगे, यानी कि pn हो जाएगा, ठीक है, n+1, ठीक, आगे वाले में प्लस c है तो c तो रहेगा ही, और यहाँ pn हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ n+2 यही लिखे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी है, जैसे 3 है तो 3 से शुरू कर देंगे हम, हाईएस्ट से ही शुरू करना है, बस ये ध्यान रखना है। और यही चीज़ क्यूबिक के लिए भी होगी, क्यूबिक के लिए मैं भी आपको बता ही देता हूँ इसमें, ठीक है ना। फॉर अल्फा बीटा गामा, ये तीनों रूट्स हैं ax³ bx² cx + d = 0 के, एंड Sn = αn βn γn, ये लिखा है, तो फिर आप इसको लिख सकते हैं a × यहाँ पर जो है, अब हाईएस्ट कोई भी हम ले लेंगे, जैसे भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया होगा, वही 10 दिया है तो 10, 8 दिया है तो 8, 4 है तो 4, 5 है तो 5, वो सब ले सकते हैं जरूरत के हिसाब से, लेकिन यहाँ तो अभी मैं ऐसे ले लेता हूँ। चलिए हमने ले लिया एस, अब यहाँ ए लिए, पी लिया था हमने, यहाँ एस ले लिया, ए भी ले सकते हैं, ठीक है ना, जो भी आपको लिखना चाहे या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हो आप ले लीजिए, ये तो हम कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं, तो हमने इसलिए दोनों का यूज करा दिया, यहाँ पी करा दिया है, एस करा दे रहे हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पर n+2 कर दिया सपोज करिए, ठीक है ना, इसके बाद फिर बी यहाँ पर Sn+1 हो जाएगा, यहाँ पर सी एन हो जाएगा, प्लस डी Sn-1 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करके बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से, आसान तरीके से, न्यूटन्स थ्योरम से कर सकते हैं ये, ठीक है ना, बहुत आराम से जो है। तो ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जो हमने लिखा हुआ है, इसको ज़रूर तैयार रखिएगा आप, ठीक है ना, कई क्वेश्चन कराए गए, इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, अभी आगे वाले में भी कुछ में यूज होगा, ठीक है ना। तो इस थ्योरी को आप नोट करके रखिएगा। अब जरा हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए आप, यहाँ देखिए अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन रहा है, ये α³ + β³ / αβ। आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी से निकालें आप, लेकिन इससे जल्दी हो जाता है, बस ये फायदा है। ये देखिए
अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा और प्लस टू अल्फा बीटा, ये हो गया, ठीक है ना। तो अब आ जाइए यहाँ पर, अब मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें यूज कर लें, अब जल्दी से निकाल लें, तो उस क्वेश्चन पर आइए ज़रा। तो आपके पास जो है 3x² - 6x प्लस 4 = 0 दिया है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स, ये तो आप आराम से निकाल लिए, ये देखिए -6/3 तो +6 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 6/3 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा भी आपने निकाल लिया, अब क्यूब वाला भी निकाल सकते हैं इसका यूज करके फिलहाल, है ना, लेकिन मैं अभी नहीं कराना चाह रहा हूँ उसका, क्योंकि वो नॉर्मल पार्ट है, वो सभी स्टूडेंट जानते हैं, ये कुछ नया है तो नया कर लीजिए। तो अब आ जाइए डियर, अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि सपोज करिए कि हमने ए एन लेट कर लिया, लेट ए एन इक्वल टू अल्फा टू पावर एन प्लस बीटा टू पावर एन, ठीक है ना। तो जब ये देखिए 3 है तो ए 3 होगा, तो ए 3 से शुरू कर देते हैं पहले। तो चलिए 3a3 - 6a2, एक का एक कम करते जाइए, प्लस 4a1 = 0, एक ही क्वेश्चन बना दोबारा। अब ए 2 से शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, ए 2 - 6a1 प्लस 4a0 = 0, क्योंकि भाई 1 से बाद 0 ही आएगा। तो ज़रा देखिए यहाँ पर, अगर n की जगह 0 रखते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तुरंत निकल आएगा, यहाँ से अगर आप a0 निकालते हैं तो 2 आ जाएगा, a1 निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, a2 निकालते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, और अगर a3 निकालते हैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा। ये सब चीज़ें आ जा रही हैं डियर, है ना। तो बड़े आराम से जो है, तो यहाँ देखिए हमें a2 नहीं पता है, लेकिन a1 पता है और a0 पता है। a1 कितना है, सामने लिखा है आपके, a1 का मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, ये नहीं पता है अभी a2, तो ये निकाल लेते हैं तुरंत यहाँ से। तो ये हो गया 3a2 माइनस, इसको उधर करते हैं, a0 2 है तो 4 2 8 हो गया, ठीक है ना, ये जो है उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, ये यहाँ पर a1 आप देख रहे हैं ये 2 है तो 12 हो गया प्लस का। तो ये हो गया डियर a2 = 4/3, ये वैल्यू आ गई, a2 कितना आराम से निकल आया। बस ये तो हम बार बार लिख रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ये सब इतना भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सामने दिख रहा है क्वेश्चन, तो ये हो रहा है केवल ये 2 लाइन ये, ठीक है ना, जो ये 1, 2, 3 अभी चले, बस यही छोटी छोटी सी। अब आपको a2 मिल गया है तो a2 यहाँ रख दीजिए, a1 भी जानते हैं तो a3 आ जाएगा, ठीक है ना, a3 इससे, तो 3a3 = ये देखिए 4a1, ठीक है ना, तो a1 की वैल्यू आपको पता है 2 है तो 4 2 8 हो जाएगा, -8 आ गया, ठीक है ना, a1 की वैल्यू 2 है, a0 भी 2 ही आया था। a2 की वैल्यू आपको मिल चुकी है 4/3, तो उधर जाएगा तो 6 × 4/3 प्लस 6 × 4/3 तो 3 2 6 ये आ गया, 4 2 8 तो ये 0 आ गया, मतलब आपने देखा कि a3 = 0 हो गया। अब a3 0 हो गया तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा 0 हो गया, अब केवल ये वैल्यू बची हमारे पास 4 3 जो है, ये वैल्यूज हमें निकालनी है बस। तो यहाँ पर हम रख दे रहे हैं इस जगह, यहाँ पर पहले वाला पार्ट बन गया 0, दूसरा ये जो है a2 की वैल्यू है, तो a2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 4/3 और अपान में अल्फा इंटू बीटा, ये भी 4/3 है प्लस, अब इसमें आ जाइए, ये वैल्यू 2 है और ये 4/3 ये हो गया प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 2 × 4/3 ये हो गया डियर। तो ये कैंसिल आउट होकर के तो 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 8/3 हो गया, ठीक है ना, ये 8/3 हो जाएगा और इधर ये 2 2 4 3/2 तो ये बन गया 1 + 2/3 3 ऊपर आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, यहाँ पर 3 ऊपर जा रहा है तो 3/2 क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, इधर प्लस 8/3, ठीक है ना, 8/3 ये हो गया डियर। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ये देख लीजिए आंसर जो है कितना आ रहा है,
लेकिन यहाँ पर इसमें से गलती हो गई है डियर, ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो है, क्योंकि इस जगह गलती हुई है ये, ठीक है ना। ये वाला जो है पार्ट, ये थ्री है, थ्री, ठीक है ना, ये है थ्री अल्फा बीटा। तो जब थ्री यहाँ पर रखेंगे, थ्री अल्फा बीटा, तो ये कट जाएगा और इस जगह आएगा केवल फोर, ठीक है ना। ये जो है फोर, ये करेक्शन हुआ था बट कहीं रह ही जाता है थोड़ा सा ऐसा कभी कभी। तो ये हो जाएगा फोर, फोर एक फाइव हो गया, 5 2 10 और 13/2 आंसर आ गया, ये आंसर हो गया इसका। इस तरीके से निकालेंगे। तो फिलहाल ये तो जो मैंने बताया आप लोगों को, ये पूरी थ्योरी है, पहले से थ्योरी का यूज करा करके ये सब मैंने लिखा है पूरा एक एक करके अलग अलग से। लेकिन जब आप क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो ये वाली लाइन में ही खट से निकाल करके और इतना यूज करके रख देंगे आप, चाहे वो कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो चाहे छोटा हो। और अगर डायरेक्ट आपको सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट रखना है, तब भी आप कर सकते हैं, वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से खुद ही जानते होंगे जो है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए फिर से एक क्वेश्चन हमने दिया है, अब इसको मैं भाई ऑप्शन करा देता हूँ। x1 x2 जो है रूट्स हैं इसके, x1 और x2 ये दोनों रूट्स हैं, x²-3x+a=0 के, इसके रूट्स हैं, ठीक है ना। और x3 x4 ये रूट्स हैं इसके, x²-12x+b=0 के, इसके रूट्स हैं। अब जरा देखिए, ये वन रखने से तो फैक्टर बनेगा नहीं यहाँ, इसका मतलब है ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। वन रखने से ना, आप दीज को भी छोड़िए अभी, अब केवल ये चार बचा। तो अगर हम यहाँ चार रखते हैं तो यहाँ पर -4 प्लस करेंगे आगे तो फैक्टर ही नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन भी आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, इसीलिए हमने दो क्वेश्चन दिए थे और एक में हमने पूरी एक्सप्लेन करके बता दिया कैसे निकाल सकते हैं, और दूसरे में हमने बाई ऑप्शन का यूज करा दिया। वन के फैक्टर हो नहीं सकते, फोर के फैक्टर हो रहे हैं, वो एक में माइनस दूसरे में प्लस आ रहा है तो फैक्टर ही नहीं बन पा रहे, नाना दीज का कोई मतलब नहीं। तो अब ये चीज़ बची, अब इसका अगर हम यूज करते हैं तो क्या निकल के आ रहा है, देखिए x²-3x+2, तो इससे हमारे पास वैल्यू मिल गई -2 -1, यानी कि 1 एंड 2, ये वैल्यू मिली, ठीक है ना। ये हो गया x1=1 और x2=2। अब इसमें आ जाइए, x² मतलब आंसर तो वही हो गया, सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को कंफर्म करके ही लगाइए जिससे गलत ना हो। तो 12x हो गया +32। अब जैसे आप 32 कर रहे हैं तो 8 चौक 32 हो गया और 8 चार 12 भी हो गया, तो फिर x=4 आ गया और 8 भी आ गया, मतलब x³=4 हो गया और x²=8 हो गया। और ये देख रहे हैं आपके किस में है, GP में, इसका मतलब है कि यही आंसर हो गया, ठीक है। तो मतलब कंफर्म तो हो चुका था पहले, लेकिन फिर भी जब आप चेक करना चाहें तो ज़रूर कर लीजिए कि GP में बना कि नहीं बना, ठीक है। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लगा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, चाहे AP में हो, चाहे GP में हो, चाहे HP में हो, कहीं भी पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और भी कहीं यूज हो सकता है इनका, तो आप लगा सकते हैं इसमें से, ठीक है डियर। अब आ जाइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर में दिया है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीरियर में दिया है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीरियर में हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीरियर में जो कंडीशन दी है, x-ग्रेटेस्ट इंटीरियर। अब x-ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो डियर फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, छोटा कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, और वन से छोटा होता है, ये भी ध्यान रखिए, मतलब ये जीरो के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। जब यहाँ पर जो इंटीजर रखेंगे तो जीरो के बराबर होगा बट लेस देन वन ही होगा, फ्रैक्शनल पार्ट, ये ध्यान रखना है आपको। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये हमारा बन गया -3 फ्रैक्शनल पार्ट स्क्वायर और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ये हो गया, और प्लस a²=0। अब इसके अकॉर्डिंग जरा गौर से देखिए डियर, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई 3 फ्रैक्शनल पार्ट स्क्वायर और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, ये वैल्यू आ गई। अब ये भी फ्रैक्शनल पार्ट है तो श्योर है स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, ये भी है तो और भी छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है ये वन से बड़ा तो नहीं होने वाला है, ये पूरी जो वैल्यू है ये वन से बड़ी तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी वन से बड़ी है। तो जब ये वन से बड़ी नहीं होगी डियर इसमें, तो फिर हम क्या करेंगे,
हमें अच्छी तरीके से पता है कि फिर ए स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 से छोटी ही होगी ना, ये वैल्यू 3 फ्रैक्शनल पार्ट स्क्वायर और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, ये लेस देन 1 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। जब 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटीजर जब रख देंगे इसके बीच ही रहेगा। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर इक्वल नहीं, इस जगह इक्वल का कोई चांस नहीं है ना, 1 होगा और यहाँ पर भी। तो अब जब आप ऐसा लिखेंगे, इसका मतलब ए की वैल्यू हो गई माइनस ए से लेकर के कहाँ तक, -1 से लेकर के ए की वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक हो गई, 1 तक हो गई है, ठीक है ना, ये चीज ठीक है ना। लेकिन 0 अगर हम लिख देते हैं तो इक्वेशन ही समाप्त हो जाएगा, फिर ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, फिर ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, बट ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम एक्स को 0 ही कर देंगे तो इक्वेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, बनेगा ही नहीं ना, एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 0 इंक्लूड नहीं होगा, तो फिर आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, ना तो ये होगा ना ये और ना ये, ठीक है ना डियर, ये कंडीशन हो गई इसमें से, ठीक। अगर हम कुछ ऑप्शन में कुछ वहाँ पर कुछ और भी बदलेंगे तब भी मेथड यही रहेगा, एग्जैक्ट इसी तरीके से आपको लगाना होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। बट अगर हम एक्स को 0 ही कर देते हैं तो केवल ए स्क्वायर बचेगा, तो फिर ए इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, फिर इक्वेशन का मतलब ही खत्म हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू आर तो लिखा हुआ है लेकिन फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है ना, ठीक। और क्वेश्चन में लिखा हुआ हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो ये कंडीशन आ जाएगी, 0 लेना ही नहीं है ना, हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर नो इंटीग्रल सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब एक्स इक्वल टू 0 लेना ही नहीं है आपको। अब आ जाते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन हमने फिर आपको दिया एक, तो आप बहुत तेज कर सकते हैं बिल्कुल ही। यहाँ पर 10 दिया है, ये देखिए सबसे अधिक ये 10 दिया है, तो फिर आप सीधे सीधे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसमें प्रूविंग भी है, प्रूव भी आप कर सकते हैं, मतलब अल्फा बीटा जो है उसी तरीके से रख करके फिर इक्वेशन बना करके मल्टीप्लाई करके, जैसे 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करके जो है अल्फा की पावर 10 से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे तो बनेगा वो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी तो क्लास में हम प्रूविंग करा ही देते हैं बहुत सारी वैसे भी। तो यहाँ पर 10 से जब स्टार्ट है तो फिर यहाँ 10 ही रखिए आप, 8 10 रखा आपने, 7 या 9 हो जाएगा, -3 8 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब वैल्यू क्या पूछ रहा है इसमें, 8 10 कह रहा है, -3 8 कह रहा है और इक्वल टू 7 a 9 भी हो गया, तो फिर 8 10 -3 a 8 और अब 92 a 9 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 7। बिल्कुल सिंपल वे में आंसर आप निकाल के रख सकते हैं डियर, बिल्कुल इसमें देर नहीं लगेगी, तुरंत क्वेश्चन हो सकता है, कैसे, बाई कौन सा, बाई न्यूटन थ्योरम, इसके जरिए से आप तुरंत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, अगला क्वेश्चन फिर भी मैंने उसी बेस पे दिया है लेकिन ये सब कुछ बदल गया तो डायरेक्ट हो गया ये, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपके पास दिया है इक्वेशन, इक्वेशन में आपके पास है 5x² प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दिया है। अब इनमें सबसे हाईएस्ट 6 दिख रहा है आपको, इसलिए आप पुट कर देंगे फटाफट, ठीक है ना, x इक्वल टू क्या है, an, ठीक है ना, n लेस देन इक्वल टू 6, यानी 6 से पीछे की तरफ आना है आपको, तो ये बन जाएगा 5a6 प्लस 6a5 माइनस 2a4 इक्वल टू 0। अब मुझे लगता है कि ये आपको दिख भी रहा होगा, किस ऑप्शन में आ गया तुरंत, ये रहा, यहाँ पर देखिए 5a6 6a5 और इक्वल टू 2a4, ये आंसर हो गया तुरंत ही जो है। मतलब ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिए बदल बदल करके, और अगर हम उस तरीके से करेंगे अल्फा बीटा रख करके तो बहुत बड़ा हो जाएगा, काफ़ी लेंदी भी बनेगा ये, लेकिन न्यूटन्स थ्योरम से हम तुरंत कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। और यही नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन। अब ये देखिए हमने क्यूबिक इक्वेशन दिया है, क्यूबिक इक्वेशन में जो है हमारे पास है SN इक्वल टू
एस एन इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन प्लस गामा पावर एन, और साथ में इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये कह रहा है हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो ये एट से शुरू हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि एन जो है लेस देन इक्वल टू एट करना है हमें, लेस देन, बस वही ध्यान रखना है, जो मैक्सिमम है उसी शुरू करिए बस। तो पुट कर दीजिए एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एस है तो एस के फॉर्म में ही लिख लेते हैं, हमने बताया भी है दोनों फॉर्म, चाहे जिसमें लिखिए। तो ये हो गया एस एट हो गया माइनस सिक्स एस सेवन हो गया प्लस टू एस सिक्स हो गया माइनस एस फाइव हो गया इक्वल टू जीरो, ये हो गया डियर सेम चीज़, बस एक्स के पर वही रख जाइए, अपने आप बन गया। अब जो चाह रहा है वही ले लीजिए आप, एस एट आपने ले लिया, फिर कह रहा है प्लस टू एस सिक्स लीजिए, ये ले लिया, फिर कह रहा है माइनस एस फाइव लीजिए, ये भी ले लिया आपने, फिर कह रहा है इसको छोड़िए तो इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, सिक्स इंटू एस सेवन हो गया, एस सेवन अपान में लाना है लेकिन थ्री भी लाना है साथ में, तो फिर एस एट प्लस टू एस सिक्स और माइनस एस फाइव अपान में थ्री और एस सेवन ही आ गया, तो जब सिक्स इधर था तो इधर बचा टू, यही आंसर हो गया इसका। ठीक है डियर, तो ये चीज़ आप सब समझ गए होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से जो है हर एक टॉपिक में बेहतरीन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको हमारी क्लास में पहले भी मिलते रहे हैं, पुराने वाले बैच में जो बैच कंप्लीट हो गया और नए बैच में भी मिलेंगे बेहतरीन ही, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी 10 तारीख के पहले, 10 अप्रैल के पहले आप ज्वाइन कर लीजिए बैच को और आ जाइए हमारे साथ, जिससे कि 2023 में आप किसी ना किसी कॉलेज के मास्टर ज़रूर बन जाएं, चाहे वो जो है DSSB का हो, चाहे LT ग्रेड का हो, चाहे TGT PGT का हो, चाहे वो किसी स्टेट में भी कहीं भी आप करना चाहेंगे, वो सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है पूरा का पूरा हमारे क्लास में, वो सब चीज़ें मिलने वाली हैं आपको, ठीक है ना। और एक बार मैं फिर से आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि आप इसके लिए जो है आप इन नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं, 10 अप्रैल से बैच स्टार्ट है ये हमने आपको बता दिया, ठीक, और एंट्री लिख करके आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं तो जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है, या फिर इन नंबर पर आप जो है कॉल करके अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है डियर। तो चलिए फिर मिलते हैं 10 तारीख को, 10 अप्रैल को न्यू बैच में नए प्लान के साथ। ओके डियर, थैंक यू।